नमस्कार दोस्तों, मैं विजय चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से ताज़ा आपको प्राप्त हो सके। आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचना में पहली सूचना है, पशु चिकित्सा अधिकारी के 215 पदों पर साक्षात्कार 19 सितंबर से होंगे, इसकी घोषणा हो चुकी है। उच्च शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर के 42 पदों के लिए भी होंगे साक्षात्कार। तो आप सभी जानते हैं हायर एजुकेशन के लिए और पशु चिकित्सा अधिकारी के लिए जो साक्षात्कार हैं उसकी तिथियां घोषित की जा चुकी हैं। वहीं गोंड और 5 उपजातियों को अब यूपी में मिला जनजाति का दर्जा। कैबिनेट मंत्री का अहम फैसला, 5 राज्यों की 12 जातियाँ अनुसूचित जाति में शामिल। तो एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है आपके गोंड और 5 उप जातियों के लिए, इसमें इन जातियों को लाभ मिलेगा अब जनजाति में शामिल होने का। आगे दिया है इसी में, जातियों की सियासत हिमाचल में भी इसी स्तर पर, कर्नाटक छत्तीसगढ़ में भी अगले वर्ष होना है चुनाव। इन राज्यों लागू हुआ है और इसमें अगले वर्ष चुनाव भी होने हैं, जैसा कि आज के समाचार पत्रों में दिया भी गया है। एसएससी चंडीगढ़ में 158 पदों पर जेबीटी प्राइमरी टीचर के पद रिक्त हैं, जिस पर की वैकेंसी आमंत्रित की गई है। आपको बता दें, वे सभी अभ्यर्थी जो सीटेट क्वालिफाइड हैं वह इसमें आवेदन कर सकते हैं जेबीटी प्राइमरी टीचर के पद के रूप में। अगर हम योग्यता और एज की बात करें तो योग्यता और एज कुछ इस प्रकार से हैं, आयु सीमा 21 से अंतिम 37 वर्ष रखी गई है। पात्रता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट बीएड एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा चाहिए और साथ ही साथ सीटेट क्वालिफाइड चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया। तो जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं वह 158 पदों के सापेक्ष अपने आवेदन भेज सकते हैं। देखे दिया है वेबसाइट www.chdedu.catiun.gov.in, इस पर आप जो है अपने कर सकते हैं। 150 अंकों की परीक्षाएं इसमें होंगी, सामान्य जागरूकता, रीजनिंग एजिबिलिटी, एथमेटिक्स, टीचर एजिबिलिटी, टीचिंग एटीट्यूड आदि विषयों पर संबंधित अभ्यर्थियों के परीक्षा देने होंगे। 40% क्वालिफाइंग है। 6 अक्टूबर 2022 इसकी लास्ट डेट भी आवेदन की निर्धारित की गई है। अगर हम शुल्क की बात करें तो ₹1000 इसमें आवेदन शुल्क भी रखे गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हो इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें, CSIR UGC जो नेट है जून 2022, उसका शेड्यूलिंग जारी कर दिया गया है, पहले ही आप जानते हैं, और फिर से एक बार रिमाइंड कर लीजिए, अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लीजिए। अर्थ एटम एटमॉस्फेरिक ओशियन एंड प्लेंटिंग साइंस ये 16 तारीख को होने हैं। वहीं 16 तारीख को मैथमेटिकल और फिजिकल साइंस की भी इसकी भी परीक्षाएं होनी है। 17 तारीख को लाइफ साइंस, 17 को ही लाइफ साइंस तो पालियों में दिया गया है, और केमिकल साइंस 18 तारीख को आयोजित की जाएगी CSIR की जो नेट की परीक्षा है। वहीं UGC नेट की बात करें तो UGC जो नेट है सेकेंड फेज की एग्ज़ाम की जो डेट है वो क्लियर कर दी गई है, 9, 11, 12 जुलाई 2022 फॉर 33 सब्जेक्ट इन 310 एग्ज़ाम सेंटर्स लोकेटेड इन 225 सिटीज अक्रॉस द कंट्री। ये किया गया था फर्स्ट फेज के बेसिस पे, अब सेकेंड फेज में 12, 13 और 14 अगस्त को यह परीक्षा को, सेकेंड फेज की बात थी। UGC के द्वारा जो एग्ज़ाम होने हैं आगे दिया है बिटवीन 20 से 30 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम होने हैं। तो जो भी नेट के अभ्यर्थी हैं जून वाला देना चाह रहे थे तो उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है तो अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। वहीं माध्यमिक शिक्षा की निदेशक सरिता तिवारी ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की 1921 की जो नियमावली है उसमें गंभीरता से लेते हुए उस पर बदलाव किया गया जाना है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक रखे जाने की तैयारी है। निदेशालय में प्रस्ताव लेकर के यह बात सारी रखी गई है, इसमें उचित संशोधन यथाशीघ्र किया जा रहा है। अल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत कला विषय में 470 पदों का अंतिम चयन परिणाम घोषित हुआ, 2 साल हो चुके हैं। इनमें से 134 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने
साल भर हुए जबकि 90 अभ्यर्थी नियुक्ति अभी तक नहीं पा सके हैं। अब इनको नियुक्ति मिलने के बाद यह जूनियर हो जाएंगे, ऐसा समाचार पत्रों में दिया गया है। कुल मिलाकर के एक दिन भी पहले अगर कोई की ज्वाइनिंग होती है तो एक दिन के ही अंतराल में जूनियर और सीनियर की बात आ जाती है। वहीं MRC शिक्षकों के विद्यालय आवंटन की बात भी आज के समाचार पत्रों में दी गई है। बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों में हुई 68,500 अध्यापक भर्ती परीक्षा के तहत चयनित 3,932 मेरिटारिस रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को बृहस्पतिवार से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। विद्यालय आवंटन की कार्रवाई NCI की ओर से विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी और यह 2 दिन चलेगा। वहीं राज्य कर में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने के लेकर के सरकार को पत्र लिखा गया है। CMG को पत्र लिख करके यह आग्रह किया गया है कि चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं राजीव विघान में, उनके काफ़ी पद खाली हैं और उसे यथाशीघ्र भरा जाए, जिससे बेरोजगारों को रोजगार भी मिल सकेगा और जो कार्य है वह सुचारू रूप से चल सकेगा। महामंत्री सुरेश सिंह यादव ने विभाग में रिक्त पदों को तत्काल भरने की साथ सचल दल और कंट्रोल रूम को मौजूद करने की सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू वेरी मच।